नमस्कार, नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए पिंच को सब्सक्राइब करें और घर पर रहें। आज तो लास्ट डेट है यार, आज नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो सब के सब विधायक जी को लगता है कंप्लेन करवे करना पड़ेगा, बहुत लड़चट हो गए हैं लोग। तुम आगे बढ़ रहे हो कब से? अरे तो कब से खड़े हो, तुमको बोलो ना आगे वालों को, आप भी नहीं हिल रहे हो कब से यार भैया, यार एक परेशानी हो रही है। अरे सर आज लास्ट डेट है, आज तो टाइम पे खोल लेते। मुझे तो 10:30 ही बताया गया था, पर चलिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं करता हूँ कुछ जल्दी से। लगता है सर नए आए यहाँ पे। अरे सर वेटिंग का तो कोई लोड ही नहीं है, वो क्या है ना, हम लोग सरकारी जॉब की तैयारी और वेटिंग का क्रैश कोर्स दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं, और सर ऊपर से हमारा सरनेम आडवाणी है तो हमें तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम लोग वेटिंग एक्सपर्ट हैं। मैं करता हूँ कुछ जल्दी से, करता हूँ। अब ये कॉफी मशीन से दूध कौन चोरी कर रहा है? दयाशंकर सरकार को एक लेटर लिखो कि साला परसों चीनी खत्म हो गया था, आज दूध खत्म हो गया, कल को ऑफिस खत्म हो जाएगा तो हा? सर वो स्टाम्प पैड खत्म हो गया। अरे ये साला दुख का है खत्म नहीं होता है बे। तो वैसे तुम कौन हो? सर मैं वो न्यू ज्वाइनिंग। अरे हाँ 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 याद आया, वो परसों ही ज्वाइन किया ना, मोहन राइट? रोहन सर, रोहन। हाँ हाँ जो भी हो, बिना पूछे घुस कैसे गए? हाँ सॉरी सर, पर वो स्टैम्प पैड खत्म हो गया था और वो बाहर काउंटर नहीं खुल रहा था, बस इसलिए। और अरे यार मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, लंच के बाद में सोने में दिक्कत ना हो इसलिए पलंग मंगवाना है, नौकरी मांगने आए लोगों को भगाना है, और तो और सबसे इम्पोर्टेंट 2 दिन का काम 20 मिनट में खत्म करने वाले उस नीश अग्रवाल को सस्पेंड करना है, और इनको इनको स्टैम्प पेपर चाहिए। बताओ पेपर नहीं सर पैड। अरे मेरे छोटे पैडमैन शुक्ला के पास जाओ भाई। सर सिस्टम डाउन है, कल आना। शुक्ला सर मैं रोहन। हाँ तो परसों आना, न्यू ज्वाइनिंग ना, परसों आना। परसों संडे है सर, आपके घर आ जाऊं क्या? क्या काम है? सर स्टाम्प पैड चाहिए था, आपके पास है क्या? हाँ है, हमेशा बाइक की डिग्गी में रहता है। प्लीज दे देंगे क्या सर थोड़ा? हाँ चलो। अरे वो बाइक तो है पर डिग्गी लाना भूल गया ना मैं। एक काम करो तुम लंच के बाद आ जाओ। सर लंच तक बहुत लेट हो जाएगा सर, बाहर सब वेट कर रहे हैं। ओह सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है कि आपके लेट के चक्कर में अपना लंच नहीं छोड़ देंगे ना, है ना? और अगर इतनी ही इमरजेंसी है तो जाके मिश्रा से मिलो। ए मिश्रा देखो। सर मिश्रा सर नहीं है सर अपने डेस्क पे। हैं तुमको पता नहीं है पर वो हैं। ए मिश्रे देखो तो जरा कौन है, जाइए जाइए। सर आप जी मिश्रा सर कहाँ हैं? आज के लिए मिश्रा मैं ही, बोलिए क्या काम? सर अभी तो बताया आपको। वो तो शुक्ला को बताया ना, मैं कौन हूँ? मिश्रा हमें कौन बताएगा? लगता है आपने कभी कॉलेज में प्रॉक्सी नहीं मारी है। बताइए बताइए काम, बताइए क्या पता? स्टाम्प पैड बिल्कुल है, मिल जाएगा तो दे। अच्छा दे मतलब दीजिए। हाँ दीदी आज तारीख कौन सी है? 17 ओ आज तो शुक्रवार है। हाँ तो मिश्रा जी शुक्रवार को काम नहीं करते ना। पर आप तो शुक्ला जी हैं, आप तो कर सकते हैं ना। लेकिन ये डेस्क तो मिश्रा की है। सर एक स्टाम्प पैड तो मांगा है, प्लीज दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है जाओ जाके मल्होत्रा से ले, मल्होत्रा दे देना यार। मैम मैम। अरे भैया टेबल मत हिलाओ।
मैम मल्होत्रा सर को देखा है क्या आपने? नहीं वो तो नहीं, वो तो सब्जी लेने गए। हाँ उससे तो बोले थे कि सुबह आटा लेने गए। अरे तो आप क्या चाहते हैं शुक्ला जी, वो रोटी बिना सब्जी के खा ले? कमाल करते हैं आप भी। आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ मैम स्टाम्प पैड चाहिए था। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। है आपके पास? और नहीं तो क्या, एक कार्टून है पूरा। थैंक गॉड मैम, मैं सुबह से परेशान हो गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ पे भटक रहा था। मैम आप बता सकते हैं क्या कहाँ पर है? घर पे। क्या स्टैंप पैड और क्या? अरे वो क्या है ना कि मेरे पापा की ना स्टेशनरी की दुकान है, कभी आप भी आइए ना, इस ऑफिस का सारा स्टेशनरी मेरे पापा की दुकान से आता है ना शुक्ला जी? करेक्ट बोलिए। ऑफिस का स्टेशनरी डिपार्टमेंट है? हाँ है तो। अरे स्टैंप पैड मेरे पापा की दुकान से लीजिएगा, बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। सुनो 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 सुनो, ये जो आप लोग धूप में अपना खोपड़ा जला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नए कार्यकर्ता रोहन की वजह से है। बोलता है स्टैंप पैड दे दो। सर फॉर्मेटेज कर दीजिए ना। चल रहा लंच हो रहा है बाद में ये। भैया ये स्टैंप पैड है क्या वाला? अरे लंच हो रहा है यार। हाँ है तो दो ना। लेटर लाए? लेटर नहीं जो है नहीं। हाँ तभी यहाँ का प्रोटोकॉल नहीं पता आपको? अरे सरकारी दफ्तर है सर, स्टाम्प पैड तो बहुत बड़ी चीज हो गई। यहाँ एक्सरे भी अगर आपको चाहिए ना तो उसके लिए ऑफिशियल लेटर लगेगा। आप एक काम करिए, आप एक लेटर अपने सीनियर को लिखिए, वो उसे अपने ऊपर वाले को भेजेंगे और वो अपने ऊपर वाले को। अगर उस लेटर को मंजूरी मिल जाती है तो आ जाएगा आपके बॉस के पास, अपने बॉस से जाइए वो लेटर लाइए और जितना मन पड़े स्टाम्प पैड ले जाइए, चले जाइए। ये क्या बकचोदी है यार? बकचोदी नहीं सर, प्रोटोकॉल। अरे काहे का प्रोटोकॉल, खुद मोबाइल में घुस के फोकसबाजी किए जा रहे हो और मुझे सिखा रहे हो। फोकसबाजी नहीं सर, पोकरबाजी। जहां मात्र 20 रुपए के बाइंस के साथ आप खेलना शुरू कर सकते हैं कैस्टेबल पे, ये ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अरे सर ना कुछ हार कर ना कुछ खोकर, यहाँ फ्री में सीख कर खेले पोकर, समझ रहे हैं आप? मतलब महीने में 15 लाख का प्राइस पूल होता है। और तो और आप फ्री एंट्री से जीते रियल बोनस को यूज करके कैश टेबल्स पे या टूर्नामेंट्स में खेलना शुरू करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हो सर। और तो और सर आप उन पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, क्योंकि ये देता है आपको 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो आपको मिलता है 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट। देखना कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए आपके यहाँ। अरे सर सुनिए तो, अरे उसका भी अलग प्रोटोकॉल है सर। अबे जल्दी खोलो बे, कल सुबह पनवेल निकलना है भाई। लिखो। अरे सर वो, अरे शुक्ला बता रहा था कि काउंटर नहीं खुला है अभी तक, है? बाहर देखो कितना हल्ला हो रहा है। सॉरी सर बट वो सुबह से स्टैंप पैड नहीं मिला, वो स्टेशनरी वाले के पास है तो वो बोलता है लेटर लेके आओ, प्लीज कुछ करवा दीजिए ना सर। ओ अच्छा 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 अच्छा, दया शंकर ये लेटर बाद में लिखना, पहले स्टैंप पेपर इश्यू करने के लिए लेटर लिखे हैं। और ऑलराउंडर फैक्स मशीन ऑन करो, ऊपर लेटर भेजना है। सर फैक्स मशीन तो खराब है सर। अरे सर स्टैंप पैड हटाकर फैक्स मशीन कर दिया है। गुड जॉब डियर, गुड जॉब। अरे स्टैंप पैड ये बताओ इसमें रेड अच्छा लगेगा या ब्लू वाला? लाइन पे लाइन पे लाइन पे, एक लाइन पे आइए, एक लाइन पे आइए, एक लाइन पे आइए। लीजिए लीजिए लाइन पे, फॉर्म दीजिए फॉर्म। Hey guys, we hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने सरकारी दफ्तर के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और हाँ guys, डिस्क्रिप्शन में पोकरबाजी ऐप के लिंक दी गई है, उसे जाकर डाउनलोड कीजिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विजेंदर सिंह। बिल्कुल guys, और ये ऐप 100% जो है सेफ है और सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल आपको मिलता है, साथ में आपको मिलता है 24/7 इसका कस्टमर केयर सपोर्ट। और अगर अभी आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और वेलकम 100 का प्रोमो कोड आप डालते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 100% का बोनस और साथ में ढेर सारे पैसे कमाने के चांस। तो देर मत करिए, डाउनलोड कर डालिए पोकरबाजी ऐप। सब्सक्राइब टू बिंज।